इज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है, प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं डेली की वीडियो डालूँ उसकी सबसे पहले अपडेट आपको मिले और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव और मैजिकल वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है जी। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए जी, वीडियो को लंबा नहीं करना, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है, थंबनेल में देख ही लिया है कि हम आज बनाने वाले हैं DIY शैम्पू क्लिंजर, अपनी स्कैल्प हेयर का क्लिंजर। ठीक है, शैम्पू नहीं यूज़ करना है हमने। ठीक है, और इससे क्या क्या होगा? एक तो आपका ये होममेड शैम्पू हो जाएगा DIY। इतनी अच्छी तरह से क्लिंजिंग करेंगे ना, तो आप मेरे हेयर देख ही पा रहे हो कि कैसे हैं, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड इसका बेनिफिट है वो है आपकी हेयर ग्रोथ पक्का प्रमोट करेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। ये गाइज, ये आज की रेमेडी नहीं है, हमारे दादी नानी शैम्पू थोड़ी यूज़ करते थे, इसी को यूज़ करते थे, तभी तो उनके बाल ज़्यादा लंबे समय तक ब्लैक रहते थे, काले रहते थे। उन्हें कोई DIY मतलब कोई डाई वगैरह नहीं थी लगानी पड़ती, इसी वजह से। ठीक है, और दूसरा आप अपने खान पीन पे भी ध्यान दें, जंक फूड ज़्यादा ना खाएं। ठीक है, डाइट पे भी ध्यान दें, और ये आसान आसान सी रेमेडी भी हमें करनी चाहिए। ठीक है, और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक है, और जो तीसरा इसका जो बेनिफिट है, आपके जो हेयर हैं ये देखिए जैसे अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे हेयर हो जाएंगे। और अगर आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ करोगे ना गाइस, तो आपके हेयर स्ट्रेट भी होंगे। ये देखिए, अभी मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, मैं आपको एक पूरी हेयर की वीडियो भी दिखाऊंगी, आप देख लेना कि कैसा रिज़ल्ट आया है इसका। ठीक है, और बहुत ही अमेजिंग रेमेडी होने वाली है। इसमें जो जो इन्ग्रीडियंट यूज़ करने वाले हैं, हो सकता है आपके घर में मिल जाएं, अगर नहीं है तो आपको अपनी लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। लेकिन काफ़ी हद तक ये उम्मीद है कि आपके घर पे ही अवेलेबल हो। ठीक है जी, तो इस DIY रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप शैम्पू का यूज़ करना तो भूल ही जाओगे भाई। जब मैंने पहले अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी स्टार्ट की हुई थी, तो मैं अगर मैं महीने में 4 बार हेयर वॉश करती थी, ठीक है, तो मैं 2 बार इसे यूज़ करती थी। और ये वाला जो क्लिंजर शैम्पू, DIY शैम्पू बोल लो आप, हेयर मास्क बोल लो आप, ये भी मेरी हेयर ग्रोथ जर्नी का एक हिस्सा बन गया है। तो इसी आज अपने DIY रेमेडी को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और आप शैम्पू को तो भूल ही जाओगे गाइस, सच में। ठीक है, और ये हमारी हेयर ग्रोथ जर्नी का पार्ट 7 होने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसके बेनिफिट मैंने बता दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा भाषण तो मैं दूंगी नहीं। ठीक है, और आपको इसे यूज़ करने के बाद ही इसका रिज़ल्ट पता चलेगा भाई, ऐसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा, साइड इफ़ेक्ट इसके कुछ भी नहीं है गाइस। ठीक है, मैंने सब कुछ आगे बनाई है ये रेमेडी, उसमें बता दिया है। ठीक है, ऑयली स्कैल्प बालों के लिए तो ये मैजिकल है गाइस, सच में मैजिकल है। और जिनको वैसे इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद थोड़े से हेयर ड्राई हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने एक ऑप्शन बता दी है। ठीक है, तो आपके मॉइस्चराइज़र को भी मेंटेन रखेगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छी रेमेडी है, प्लीज़ आप इसे यूज़ कर ज़रूर देखना। तो चलिए जी, देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है, और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना। पहले हमेशा ये मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी आप देख लीजिए, मैंने हेयर के अकॉर्डिंग ले ली है। ठीक है, ये 3-3.5 चम्मच है। ठीक है, और अगर आपके पास पाउडर फॉर्म नहीं है, वैसे आप कोशिश करें कि आपके पास पाउडर फॉर्म हो, अगर नहीं है तो आप जो उसकी डलियाँ आती हैं उसे आप भिगो कर रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद हाथों से मसल कर देख लीजिए कि बीच मतलब गांठ नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब अच्छी तरह से उसका जो ऐसा क्रीमी सा फॉर्म बनना चाहिए। ठीक है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने अपने हेयर के अकॉर्डिंग मुल्तानी मिट्टी ले ली है। ठीक है, अब मैं इसमें करने वाली हूँ ऐड चावल का आटा। हाँ जी, ये देखिए, ये है चावल का आटा, मैंने इसे स्ट्रेन किया है चाय पुन्नी की हेल्प से। ठीक है, आप चाहो तो बिना स्ट्रेन किए ही डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसमें डालूंगी 3 चम्मच, 2 और ये 3, पूरे 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। ठीक है जी, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो चावल का आटा है ना, वो हमारे बालों को स्ट्रेट करने में काफ़ी हेल्प देगा। ठीक है, तो आप देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है हमने। तो आप देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ठीक है जी, अब हम इसमें डालेंगे योगर्ट। योगर्ट एक बहुत ही अच्छा क्लिंजर है। ठीक है, आपको तो पता ही है सबको। ये देखिए, अभी मैं इसमें ये पूरा ही डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए, अभी हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। आप देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ। अब देखिए, आपका ये दही कम पड़ गया है, अब हम इसमें क्या डालेंगे। आप चाहो तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ
गाय का दूध, ये रॉ मिल्क है गाइस, ठीक है, उबला हुआ नहीं है, ये रॉ मिल्क है। हमें अभी इसका अच्छा सा पेस्ट बनाना है, तो आप देख लीजिए, धीरे धीरे डालिएगा, ठीक है। जैसे मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं हमें वैसा ही पेस्ट बनाना है इसका, ना ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा पतला, ठीक है। तो आप देखिए अभी ये गाढ़ा है, अभी और दूध डालेंगे हम इसमें। तो आप देखिए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। तो गाइज़ आप देख सकते हो जैसा मुझे पेस्ट चाहिए था मुझे वैसा मिल चुका है, ठीक है। लेकिन आपको तो पता है कि जब हम मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमारे जो हेयर है, देखिए जो तो ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए, उनके हेयर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑयल को सोख लेता है, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी। अगर जिनकी स्कैल्प ऑलरेडी ड्राई है, हेयर ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी मैं इसमें क्या डाल रही हूँ आप देखिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे हेयर भी इसको वॉश करने, हेयर को वॉश करने के बाद ड्राई हो, तो उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, ठीक है। मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप देख लीजिए, मैं पूरा एक चम्मच डाल दूँगी इसमें, ठीक है जी। ये हमारे जो मतलब हमारे जो हेयर का मॉइस्चराइज़र है ये उसे मेंटेन रखेगा। अब हम इसे अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितनी आप क्वांटिटी बना रहे हो ना उसी हिसाब से ऑयल को मिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए, कहने का ऑयल डालने का मतलब ये है कि आपके ये हेयर का मॉइस्चराइज़र ज़्यादा उड़ने नहीं देगा, मेंटेन रखेगा उसे, ठीक है जी। देखिए हमारा ये पेस्ट तैयार है, अब हम मैं इसे आपको अपने हेयर की एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ, तो ध्यान से देखिएगा एप्लीकेशन को, ठीक है जी। तो देखिए गाइज अभी आ गया है एप्लीकेशन टाइम, और मैंने वीडियो की स्पीड को हमेशा की तरह बढ़ा दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो। सबसे पहला स्टेप बालों को सुलझाना ही है, सुलझा लीजिएगा अच्छे से ताकि जो आपके बालों की जो पार्टीशन है वो अच्छे से हो सके, और हमारा जो ये हेयर क्लिंजर, शैम्पू, मास्क, कुछ भी नाम दे दो गाइज, अच्छे से अप्लाई हो सके। अभी हमने बाल सुलझा लिए हैं अच्छी तरह से। पहले तो आपको अपनी स्कैल्प पे फोकस करना है, ठीक है, स्कैल्प पे अच्छी तरह से, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं ना जड़ों में लगा लेते हैं, वैसे पहले स्कैल्प पे लगा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे मैं लगा रही हूँ, अपनी मांग निकाल कर वैसे जड़ों में लगाना है गाइस। मेरे हिसाब से तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप जब तक कुछ यूज़ नहीं करोगे तो आपको उसका बेनिफिट या उसका नुकसान कैसे पता चलेगा, एक बार तो यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है गाइस, ठीक है। तो जड़ों में अच्छी तरह से लगाने के बाद एक साइड की पार्टीशन कर लीजिएगा, उसके थोड़े थोड़े बाल, जैसा कि देखो वीडियो में मैं पार्टीशन कर रही हूँ अपने बालों की, थोड़े थोड़े बाल लेकर हमने पूरी लेंथ पे अप्लाई करना है गाइस इसे, हाँ जी पूरी लेंथ पे अप्लाई करना है ताकि हमारे जो बाल स्ट्रेट भी हो जाएं, ठीक है। तो देखिए लेंथ पे मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही अप्लाई करना है, ठीक है गाइस। मुझे एक वीडियो में कमेंट आया था कि मैम आप बताओ कि मेहंदी आप कैसे लगाते हो, तो मैं मेहंदी ऐसे ही लगाती हूँ, ठीक है, वो मैं जूड़ा सा ऊपर जो बनाते हैं पार्लर वाले में वैसे नहीं लगाती, ऐसे ही लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना सिंपल जो जूड़ा मैं घर पे बना कर रखती हूँ वही करती हूँ, ये सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। ऐसे ही मैं मेहंदी भी लगाती हूँ, और ऐसे ही कोई भी पैक, मास्क, कुछ भी लगाना होता है तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, ठीक है जी। ये वाला जो मेथड है मुझे बहुत ही आसान लगता है, और इससे एक एक बाल में हमारा जो मतलब रेमेडी है वो हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ठीक है जी। तो देखिए कि मैं कैसे लगा रही हूँ, बिल्कुल आसानी से लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए एक साइड के जो बालों पे मैंने लगा लिया है, कितनी आसानी से लग गया है। अब वैसे ही मैं दूसरी साइड की बालों पे भी लगा लूँगी, आप देखिए, देखिए नीचे तक लगाना है आपको, टिप तक, ठीक है, क्योंकि इस मास्क का बेनिफिट हमारे पूरे बालों को होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गाइज अभी मैं दूसरी साइड के बालों पे भी सेम वैसे ही लगा रही हूँ जैसे मैंने इस साइड के बालों पे लगाया था, ठीक है। तो देखिए पार्टीशन कर कर लगाओगे ना तो आसानी से लग जाएगा, और कोई भी बाल छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो देखिए यार लगाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, ठीक है, आप देखिए मेरा जो ये ड्रेसिंग टेबल है ये भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो अभी मैं साफ़ करूँगी। देखिए मैंने अच्छी तरह से बालों पर लगा लिया है ना, तो अभी मैं पूरे बालों को इकट्ठा कर कर लगाऊंगी, और अभी मैं बन बनाऊंगी गाइस। बन बनाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, आप थोड़ा सा इसे थोड़ा सा पतला ही रखिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो टपकने लगे, इतना नहीं रखना, ठीक है, थोड़ा सा। और देखिए अभी मैंने बन बना लिया है, जो भी बाकी का बच गया था तो मैं अभी अपने पूरे सिर पर लगा रही हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। क्यों वेस्ट क्यों करना है भाई, इतनी मेहनत से बना रहे हैं, इसका पूरा बेनिफिट लेंगे हम, ठीक है जी। तो देखिए, और ये गाइज ये मेरी आफ्टर हेयर वॉश की वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है गाइज। सच में मेरा एक एक बाल अलग अलग था,
ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ये वाला जो DIY हमारा क्लिंजर बनकर तैयार हुआ था, इसके रिजल्ट भी ऑसम है। आप प्लीज़ इसे ट्राई कर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करोगे तो आप बार बार इसे ट्राई करोगे तो देखिए बाल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं कितना महंगा एक्सपेंसिव शैम्पू किया हो। बहुत ही अच्छा है यार, इसके आगे कोई भी शैम्पू मार्केट का नहीं चलेगा। प्लीज़ आप इसे यूज़ करो, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करो और गुड रेमेडी है, गुड यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। मुझे तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम लगे हैं गाइस। मैं आपको प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे यूज़ करो, ठीक है, और अपने जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आपने वीडियो को इतना वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स गाइस, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ इसे यूज़ कर देखिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।